राकेश रोशन ने एज अ डायरेक्टर अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत साल 1987 में मूवी खुदगर्ज़ से की। इस मूवी के लीड कास्ट में जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, गोविंदा, भानु प्रिया, अमृता सिंह और नीलम शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,40,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 4,75,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 9,50,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1988 में इनके डायरेक्शन में बनी दूसरी मूवी आई खून भरी मांग। इस मूवी के लीड कास्ट में रेखा, कबीर बेदी, सोनू वालिया, शत्रुघ्न सिन्हा और कादर खान शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,70,00,000 था और इस मूवी ने पूरी दुनिया भर में 5,60,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1989 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई काला बाजार। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, फराह नाज और किमी काटकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,90,00,000 था और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 4,05,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 1990 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई किशन कन्हैया। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, शिल्पा शिरोडकर और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,75,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 5,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 8,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में हिट रही। साल 1992 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई खेल। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, सोनू वालिया, अनुपम खेर और माला सिन्हा शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिलो एवरेज रही। साल 1993 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई किंग अंकल। इस मूवी के लीड कास्ट में जैकी श्रॉफ, अनु अग्रवाल, शाहरुख खान, नगमा, परेश रावल और सुष्मिता मुखर्जी शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,05,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,57,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,40,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। साल 1995 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई करण अर्जुन। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, सलमान खान, काजोल, राखी गुलजार, ममता कुलकर्णी और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 6,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 25,29,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 43,64,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 1997 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई कोयला। इस मूवी के लीड कास्ट में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और अमरीश पुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 12,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 14,90,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 28,06,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में एवरेज रही। साल 2000 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई कहो ना प्यार है। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, अमीशा पटेल, दिलीप ताहिल और अनुपम खेर शामिल थे। एज ए एक्टर ऋतिक रोशन, जो कि राकेश रोशन के बेटे हैं, की डेब्यू मूवी थी। इस मूवी का बजट 10,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 45,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 80,00,00,000 कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 2000 में ही इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई कारोबार। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, जूही चावला और ऋषि कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 6,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 1,91,00,000 रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 2,78,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर रही। साल 2003 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई कोई मिल गया। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, प्रीति जिंटा, रेखा और रजत बेदी शामिल थे। इस मूवी में राकेश रोशन ने भी काम किया था। इस मूवी का बजट 30,00,00,000 था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 48,00,00,000 कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 82,33,00,000 रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी बॉक्स ऑफिस में सुपर हिट रही। साल 2006 में इनके डायरेक्शन में बनी मूवी आई क्रिश। ये मूवी कोई मिल गया मूवी का सेकेंड पार्ट था। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, प्रियंका चोपड़ा, नसीरुद्दीन शाह और रेखा शामिल थे।
इस मूवी का बजट 40 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 72 करोड़ 16 लाख रुपए कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 127 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही। साल 2013 में इनके डायरेक्शन में बनी अगली मूवी आई क्रिश 3। इस मूवी के लीड कास्ट में ऋतिक रोशन, विवेक ओबेरॉय, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनावत शामिल थे। इस मूवी का बजट 95 करोड़ था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 244 करोड़ कमाए और पूरी दुनिया भर में इस मूवी ने 374 करोड़ कमाए। कलेक्शन के हिसाब से ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही और ये ही एज ए डायरेक्टर राकेश रोशन की अभी तक की आखिरी मूवी है। फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आपको राकेश रोशन द्वारा डायरेक्ट की गई सभी मूवीज के बारे में बता दिया। राकेश रोशन की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।